में स्टार्टअप की वेव देश में कई यूनिकॉर्न को जन्म दे रही है, जिनमें से कई एडटेक स्पेस से हैं। एडटेक स्पेस का मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को एजुकेट करना, जैसे अनअकैडमी, वेदांतु या बायजूस, ये सभी एडटेक स्पेस हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप जो हाल ही में यूनिकॉर्न बना है वह है फिजिक्स वाला या PW। PW ने अपने पहले फंडिंग राउंड में 100 मिलियन डॉलर जुटाए हैं और यह सिर्फ एडटेक यूनिकॉर्न है। इस स्टार्टअप के बारे में कुछ अनोखा और खास है, तो आइए फिजिक्स वाले के पीछे की कहानी पर चर्चा करें और कैसे फिजिक्स वाला शुरू से ही एक यूनिकॉर्न बन गया था। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे और पले बड़े अलक पांडे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और IIT जाना चाहते थे, लेकिन कुछ खराब आर्थिक स्थिति ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अलक पांडे ने 8th क्लास से ही कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था और उन्हें कोचिंग पढ़ाने में मजा आने लगा। उनके परिवार को उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज भेजने के लिए अपना घर बेचना पड़ा, बट अलक पांडे को एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था। वह अपने कॉलेज में एक्टिंग भी किया करते थे। हालांकि एक्टिंग अभी भी उनका पहला प्यार है और वह कभी कभी बच्चों को मनोरंजन के लिए भी कभी कभी एक्टिंग करते हैं, जो स्टूडेंट को सीखने के लिए और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। फिर 3rd ईयर में उनकी कोचिंग अच्छी चल रही थी, बट उन्होंने फील किया कि वह जो पढ़ाई कर रहे हैं वह सिलेबस आउटडेटेड है और उस कॉलेज की सारी लैब्स अनसर्विसेबल थी। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि उन्हें कॉलेज छोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने फुल टाइम कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया और 2014 में उनके पास अच्छी संख्या में स्टूडेंट जुट गए थे। वो ये जानते थे कि यदि वो बड़ी संख्या में स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं और एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे, तो वो इसे केवल ऑफलाइन पढ़ाकर नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। 2016 तक वह यूट्यूब पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, बट इन 2017 ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट। बट उन्होंने क्लास 10th के उन स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया जो ICSE बोर्ड से थे। उन्होंने कहा कि ICSE बोर्ड एक बहुत छोटा बोर्ड है और कोई उसे नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। ऐसा करने से उन्हें सिर्फ एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर प्राप्त हुए और बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको सपोर्ट भी किया। अलक पांडे अब तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते थे, बट तभी उनके एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि वह अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग भी कर सकते हैं। तो तभी उन्होंने चैनल में मोनेटाइज किया और उसके बाद यूट्यूब से 8,000 रुपए मिले। एट दिस पॉइंट उनके पास अपनी सेविंग्स थी जो उन्हें ऑफलाइन पढ़ाने से मिली और यूट्यूब ने भी उन्हें पेमेंट करना शुरू कर दिया था। वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना चाहते थे और अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी और वह पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाने लगे। 2019 में जब उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट किया तो उन्होंने फील किया कि उन्हें एक बड़ी टीम की जरूरत है, क्योंकि उनके स्टूडेंट उनसे और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 2020 में प्रतीक महेश्वरी को फिजिक्स वाला के को फाउंडर के रूप में चुना। उन्होंने अपना PW ऐप लॉन्च किया जो पहले दिन ही क्रैश हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक ही टाइम में इसे डाउनलोड किया और इसे यूज करना शुरू कर दिया और ऐप इतने ट्रैफिक को एक साथ संभाल नहीं पाया। PW ऐप के पहले वीक में ही 3 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो गए थे। उन्होंने अपने ऐप पर कुछ पेड कोर्सेस भी किफायती दाम पर लॉन्च किए क्योंकि उनके स्टूडेंट उन्हें खरीद सकें। उन्होंने अपने ऐप पर कोर्स के साथ
साथ स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस पेपर, डाउट सॉल्विंग सीजन आदि की फैसिलिटी दी। इससे उन्हें बहुत सारे फायदे हुए। एक कोर्स की कीमत अन्य एड टेक प्लेटफॉर्म पर लगभग 15,000 से 30,000 के बीच में है, बट PW के प्लेटफॉर्म पर एक कोर्स की कीमत केवल 3,000 के बीच में होता है। कोर्स की कीमत कम रखने से ज्यादा बच्चों ने इसे परचेस किया और ऐसा होने से इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले। 2020 से 2021 में इनका रेवेन्यू 24.6 करोड़ था, जिसमें से 7 करोड़ उनका प्रॉफिट था, और फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में उनका रेवेन्यू 350 करोड़ तक बढ़ गया, और इस ईयर 2022-2023 में उनका रेवेन्यू 650 करोड़ को पार करने की राह पर है। अन्य एडटेक यूनिकॉर्न के अपोजिट PW शुरू से ही प्रॉफिटेबल रहा है। प्रेजेंट टाइम में उनके पास अप्रोक्स 1900 एम्प्लॉयज हैं, जिनमें से 500 टीचर हैं। अलग को लगता है कि स्टार्टअप और मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करने के बजाय अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो आजकल ज्यादातर स्टार्टअप करने में फेल रहते हैं। फिजिक्स वाला अपने PW ऐप पर अगले 3 महीने में गेट और नेक्स्ट जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को भी अपने ऐप में लॉन्च करेंगे, और क्षेत्रीय छात्र के लिए अध्ययन को आसान बनाने के लिए बंगाली, कन्नड़, उड़िया और गुजराती आदि जैसी भाषाओं में भी PW ऐप पर पढ़ाया जाएगा। उनके कुछ ऑफलाइन सेंटर भी हैं, जिन्हें PW स्कूल भी कहा जाता है। ऑफलाइन सेंटर को ये और भी एक्सपेंड करेंगे। उन्होंने हाल ही में कोटा में PW विद्यापीठ नाम से नया सेंटर भी शुरू किया है। अलख पांडे कहते हैं कि अन्य एड टेक स्टार्टअप अपनी कीमतें अधिक रखते हैं और 10 से 15% ऑडियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन दूसरी ओर PW कीमतों को कम रखते हैं और 85 से 90% तक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और यह बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लाखों में एक है अलख पांडे की कहानी। यह देखकर हमें खुशी होती है कि कोई व्यक्ति जमीन स्तर से आगे बढ़कर एक अरब डॉलर की कंपनी खड़ी कर सकता है। फिजिक्स वाला की कहानी आपको भी अपने सपनों को पूरा करने में मदद करे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।